हुई थी, 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया, ठीक है। कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी पूरी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में कोई नहीं रहता, ना वो रही ना हम रहे। और हालांकि ये बात हमें ना हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, तो वो भी देखती होगी। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तुम कौन होते फैसला करने वाले, तुम कौन होते पंचायत करने वाले, मतलब कोई और टॉपिक ही नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास। कुछ लोग कहेंगे कि बेशरम है, कपड़े उतार के दिखा रही है। मुझे शर्म नहीं आई, मुझे शर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे बच्चों पे बात आ गई है, ठीक है। औरतें तो बिकनी पहन के गोवा इधर उधर सब जगह घूमती है, जब उनके शर्म, यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने आज कपड़े उतारे हैं ना, मैंने अपने सिर्फ बच्चों के लिए उतारे। और एक बात और फिर बोल रही हूँ कि अभी सिर्फ मैंने इतना करके छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ना जैसे दिल्ली जाके पैर चाटे हैं ना, यहाँ चंडीगढ़ बुला के पैर चटवा दूंगी अगर मेरे बच्चों के बारे में दोबारा बोला। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर के लोग ना हमारे लोगों को बार बार मतलब फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं, और हमारे जो लोग है ना बेवकूफ लोग, वो हम। फ्रेंड्स, फायर मलिक ने एक बहुत ही इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये बच्चे कैसे उन्हीं के हैं और उनके ऊपर कैसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने ओपन चैलेंज भी दिया कि अगर जो कोई प्रूफ कर देगा कि ये बच्चे उनके नहीं है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।